नमस्कार, मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है रेस्टोरेंट स्टाइल ब्रोकली की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये ब्रोकली ली है। ब्रोकली को मैंने गर्म पानी में इसको बॉयल करके इसको साफ पानी में से निकाल लिया है। टमाटर मैंने दो लिए हैं। गाजर मैंने एक लिए। प्याज भी मैंने दो लिए थे जो मैंने लंबे काट लिए हैं। मटर मैंने एक कटोरी ली है। आलू, लहसुन और सूखे मसालों के अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को डाली है। ऑयल मैंने लगभग 1 टेबलस्पून के करीब लिया है। तो ये गर्म कढ़ाई थी तो इसलिए ये ऑयल जल्दी ही गर्म हो चुका है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने जो ये प्याज लिए थे, प्याज जो मैंने लंबे बारीक पतले काटे हुए हैं वो इसके अंदर डाल लिए हैं। प्याज डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर जो मैंने ये लहसुन लिया था उसको भी मैंने थोड़ा पीस लिया है, वो मैंने डाल लिया है। और इनको अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है, इस तरह से हल्के ब्राउन होने देना है हमें इनको। ये जो है ब्रोकली खाने में तो टेस्टी होती है पर इसके फायदे भी बहुत हैं। तो ये अगर आप इसको घर पर ट्राई करोगे एक बार तो ये बहुत ही अच्छी बनती है, तो ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये हल्के ब्राउन होने के बाद अब मैंने इसके अंदर टमाटर हैं जो मैंने काटे थे वो इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल से मेथड से ही है, जैसे हम दूसरी सब्जियाँ बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये सब्जी भी बनती है। बस थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा आता है। तो जैसे ही मैंने ये मसाले डाल दिए हैं अब मैंने इसके बाद नमक डालना है, क्योंकि अगर हम अभी नमक डालेंगे तो जो हमारे ये मसाले हैं प्याज और टमाटर हैं वो तो अच्छी तरह से पक जाएंगे इस तरह से। इसको करना अच्छी तरह से धीरे धीरे, हमने लो फ्लेम पे हमने इनको अच्छी तरह से इस तरह पकाते रहना है और हमने इनको कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है। ये देखिए ये हमारे प्याज और जो टमाटर लहसुन वो अच्छी तरह से हमारा रोस्ट हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर मैंने जो आलू लिए थे, आलू मैंने एक लिया था जिसमें मैंने नमक काट लिया वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। गाजर भी मैंने एक ली थी जिनको मैंने बिल्कुल ग्रीन काट लिया है। और मटर मैंने एक कटोरी ली थी उसको भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और ब्रोकली, तो ये सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब मैंने इन सब चीज़ों को जो वेजिटेबल है उन्होंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है और इनको अच्छी तरह से पकाना है। हमने धीमी आंच पर हमने इन सभी वेजिटेबल को पकाना है इस तरह से। हमने धीमी आंच पे इसको धीरे धीरे इनको पकाना है। अभी हमें इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इसको इसी तरह से पकाना है। हमें जरूरत पड़ी पानी ऐड करने की तो हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। ये वेजिटेबल को पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे तो इसलिए अब हमने इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पकानी है लो फ्लेम पे। जो मैंने सूखे मसाले लिए थे, नमक को छोड़कर लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया और हल्दी, इन सभी को मैंने एक कटोरी के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर पानी ऐड किया है और इनको मैंने सभी मसालों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स किया है। इस तरह से मिक्स कर रही हूँ टेबल स्पून की सहायता से। ये हमारे सारे जो सूखे मसाले थे सारे मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने इसको इसके सब्जी के अंदर इस तरह से डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से आप
चला लिया है। अगर आप इसके अंदर ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सूखी ही सब्जी खानी है तो आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो इसके अंदर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ओके, जिससे कि हमारे के लिए वेजिटेबल है अच्छी तरह से सारी पक जाए। हाफ कटोरी मैंने लिया है वो इसके अंदर पानी मैंने ऐड कर लिया। अब मैंने इस तरह से इसको चला लिया है और अब मैंने जब तक ये वेजिटेबल अच्छी तरह से पकती नहीं है अब मैंने लो फ्लेम पर इसको ढक कर पकाना है। ये हमारे 7 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं कि हमारी सब्जी बनकर रेडी है या नहीं। ये देखिए ये सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब मैंने गैस को बंद कर देना है तो अब हमें इसको सर्व कर लेते हैं। ये हमारी ब्रोकली की जो सब्जी है ये गर्मा गर्म बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ धनिया पत्ते से इस तरह से। तो देखा ये कितनी इजी है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला ब्रोसली की सब्जी है। तो आप इसको एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।